नमस्कार, मैं हूं सुरेश प्रभु, आपका स्वागत कर रहा हूं टॉप शॉट कार्यक्रम में। टॉप शॉट कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम ऐसी हस्ती से बातचीत करते रहते हैं जिसने अपने जीवन में इस तरह का योगदान समाज को दिया हो, जिस योगदान के द्वारा आज हर आदमी के लिए वो एक स्फूर्ति बन के बने रहे। आज हम बातचीत करेंगे अनुपम मिश्रा जी को। अनुपम जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बहुत समय से हम ये कोशिश कर रहे थे जी कि आप एक कार्यक्रम में आए, हमसे बातचीत करें, लोगों को आपने जो काम किया उसके बारे में बताएं। लेकिन आप इस तरह का एक साक्षात्कार करने के लिए शायद इतने खुश नहीं थे। लेकिन आप इतना काम करते हैं, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती, और ऐसे लोग हैं जिनके बारे में काम करते बिना भी लोगों को जानकारी हो जाती है। तो ऐसे समाज में आपको कैसे लगता है? नहीं, मेरी झिझक का, संकोच का एक बड़ा कारण ये है कि मैंने अपनी भूमिका, अपना रोल एक मुंशी का माना है, क्लर्क का। काम लोगों ने किया है, हमारी सोसाइटी ने हज़ार साल से, 500 साल से पानी का काम किया। मैं उनका क्लर्क हूँ, लिखता हूँ, रजिस्टर में दर्ज करता हूँ, आप जैसे लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो इसलिए मुझे कई बार लगता है कि ऐसे प्रोग्राम में मैं आऊँ या उनको लाना चाहिए। तो आप उन तक तो आप सब पहुँच नहीं सकते, तो कभी कभी आप लोगों का प्यार ऐसा होता है कि मुझे भी आना पड़ता है। इसलिए अगर मैंने कुछ आने में देर की तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, देर तो नहीं हुई, शायद हमारे समाज में इस बात की देरी हुई है कि जो हमारी इतने सालों से आती आई हुई जो हमारी एक ज्ञान है, जो हमको काफ़ी सालों से, काफ़ी पीढ़ियों से मिली हुई, उसको हम इस्तेमाल करने में शायद देरी कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता? शायद इस्तेमाल हो रहा है, हमारे अनजाने में हो रहा है। बहुत सारी जगह हमें ऐसा पिछले दौर में कुछ गलतफहमी हो गई। अगर घमंड शब्द लोगों को बुरा लगे तो हल्का शब्द गलतफहमी है कि हम लोगों के लिए पानी पहुंचा रहे हैं या हम उनके लिए काम कर रहे हैं। वास्तव में हमने जो नया जाल रचा विकास का, उसमें कुछ लोग आए, ज़रूर उनको लाभ हुआ, लेकिन बहुत सारा हमारा देश का हिस्सा आज भी उससे अछूता है और वो अपने ढंग से जी रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब ये सही समय आया है कि अब हम अपनी इस गलती को सुधारें। बहुत पहले सुधारनी चाहिए थी। इसका एक बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी मित्रों को जान के अच्छा लगेगा, क्योंकि कई बार हम एक फोकस से हिल जाते हैं। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए हैं हमारे देश में राज करने, तो यहाँ पर कोई 25 लाख पानी का काम हो चुका था, जिसको हम अंग्रेज़ी में वाटर बॉडीज़ कहते हैं। आज की वाटर बॉडीज़ तालाब, झील, छोटा हो या बड़ा हो, वो सिविल इंजीनियर बनाता है। लेकिन तब हमारे यहाँ कोई सिविल इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट नहीं थी, ऐसी पदवी डिग्री वाले लोग नहीं थे जो 5 साल की पढ़ाई करते हों। ये भी जानना बहुत रुचिकर होगा कि हमारे यहाँ पहली बार कभी ऐसा कॉलेज बनाया, किसने बनाया, क्या किसी बड़े शहर में बना या कोई गाँव में बना, किसकी ज़रूरत थी उसको बनाना, सोसाइटी ने बनाया या अंग्रेज़ ने बनाया, ये भी हम देखेंगे। लेकिन मैं आपके ध्यान इस पर लेना चाहता हूँ कि 25,000 तालाब इस देश में थे, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और उधर बाड़मेर जैसलमेर से लेके पूरब में मेघालय तक। जिस राज्य का नाम मेघ पर है, उस राज्य के लोगों को मेघ का पानी, बादल का पानी रोकना आता था। आज जिसको हम अंग्रेज़ी में वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ये नया शब्द है, 5 साल 10 साल पहले का है, हम जैसे साथियों ने चलाया होगा। लेकिन हमारा समाज इस शब्द को सिर्फ चलाता नहीं था, उसका उपयोग करता था, जगह जगह पानी रोकता था। सबसे कम वर्षा हमारी जैसलमेर बाड़मेर में होती है, 16 सेंटीमीटर, 160 mm, और सबसे ज़्यादा चेरापूंजी वगैरह, ये हम सब बचपन से पढ़ते हैं, 4थी 5वीं की क्लास में पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पानी का। इन सब जगह मिट्टी का स्वभाव देख के, बादल का स्वभाव देख के, आसपास कैसा है, समतल है कि पहाड़ी है, कहाँ कितना पानी रोकना है, ये हमारा समाज जानता था। उस समाज को हम आज भी अनपढ़ मानते हैं, तब भी अनपढ़ मानते थे। लेकिन आज 5 साल की डिग्री वाला इंजीनियर कहलाता है, और 500 साल की डिग्री जिसके खून में बहती थी, जिसके एक्सपीरियंस में थी,
180 डिग्री जैसी ज़मीन दिखाई देगी, बिल्कुल समतल, लेकिन उसमें उसकी आँख बिना किसी डंपी लेवल के ढाल देखती थी कि फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, और वो पानी रोकना जानता था। तो ऐसे लोग हमारे देश में थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे ध्यान से उतर गए, कुछ पढ़े लिखे समाज के ध्यान से उतरे, बाकी उनकी प्रतिष्ठा गई तो और लोगों के भी ध्यान से उतरे। इसमें एक रुचिकर किस्सा ये है कि अकाल पड़ा अंग्रेज़ों के आने के बाद, उसमें भी सारे लोग 130 साल पहले 1800 के आसपास का किस्सा है ये। इतना भयानक अकाल पड़ा, उसमें दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में लोग थे। इसमें एक अच्छे बड़े उदार किस्म के अंग्रेज़ अधिकारी थे, तब अंग्रेज़ सरकार नहीं बनी थी, गवर्नमेंट नहीं बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी हमको रूल करती थी। जो व्यापार करने आई थी, व्यापार भी हल्का शब्द है, लूटने आई थी, लेकिन अभी हम व्यापार का काम चलाएंगे। शिक्षा व्यवस्था सुधारने नहीं आई थी क्या यहाँ पर उसको स्कूल कॉलेज बनाने हैं, तो एक अंग्रेज़ अधिकारी ने उसको लिखा कि इतना भयंकर अकाल पड़ रहा है, अगर गंगा नदी से एक नहर निकालेंगे तो वो उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में से निकल के इतना अकाल दूर करेगी। उसका जवाब नहीं आया उस पत्र का। फिर उसने लिखा कि आप हमारी बात मानिए, अगर लोग इस नहर से कितना लाभ पाएंगे ये आपको जानना हो तो इतनी मौतें बच सकेंगी। इसका भी जवाब नहीं आया। तब उस उदार अधिकारी ने लिखा कि इस नहर को बनाने में इतने पौंड का खर्च आएगा, इतने पौंड आपको वापस इरिगेशन से कर के रूप में मिलेंगे। उसका जवाब आया, क्योंकि वो व्यापार करने आए थे, तो जान जाएगी तो कोई चिंता नहीं, जान की चिंता नहीं, हमें जो आमदनी मिलने वाली है आमदनी में कमी नहीं होनी शायद ये अंग्रेज अधिकारी ने, बाद में अभी हम उसका नाम भी जानेंगे, उसने लिखा भी कि मेरे इस कहने से कि इतनी मौत होती है, आपकी आंखों में कोई पानी नहीं आएगा, लेकिन लाभ इतना मिलेगा, इससे आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। हमको जी मुझे बताइए कि आप पूरा जीवन करीबन आपने पानी को पढ़ने के लिए, पानी के बारे में जानकारी लेने के लिए, और पूरी पानी और अनुपम मिश्रा जी, यानी एक इस तरह का एक समीकरण बन गया है कि शायद वो एक अनुपम मिश्रा जी कहेंगे तो अभी आप आपको जवाब दे सकते हैं, यदि मैं आपको पानी करके भी पुकारूंगा तो भी शायद आप मुझे जवाब दे सकते हैं। तो ये इस तरह का रिश्ता न टूटने वाला पानी के साथ आपके कैसे बन गया? जी आपने बहुत अच्छे से इस बात को पूछा, मैं भी कई बार याद करता हूँ कि मैं इसमें कैसे गया, तो मुझे भी अचरज होता है। मैं इस गांधी शांति प्रतिष्ठान में करीब आज 30-35 साल हो गए तब आया था, कॉलेज से निकला था नया नया। हमारे जो मंत्री थे वो बहुत विजन वाले थे, उनका एक दर्शन था प्रतिष्ठान के मंत्री, हाँ उनका नाम था राधाकृष्ण, जयप्रकाश जी के सहयोगियों में से थे। उनको उस समय ये कुरियर वगैरह नहीं चलते थे, स्पीड पोस्ट नहीं थी, ईमेल वगैरह का सवाल नहीं था, ये घटना होगी 71 की। तो उनको कुछ काम से बीकानेर में एक गांधीवादी प्रसिद्ध, उनका निधन हो गया अब, सिद्धराज ढड्डा जी, वो बीकानेर में रुके थे किसी काम से, तो उनको एक चिट्ठी पहुंचानी थी, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि ये चिट्ठी तुमको खुद ले जाना है, उनको पढ़ के बताना है, वो देख लें तो उससे उनका जवाब मांग के तुरंत वापस आना है। तो इस तरह से मैं एक डाकिया की तरह पहली बार राजस्थान गया, दिल्ली छोड़ के, जिंदगी में पहली बार, कॉलेज से निकला नया नया लड़का था। तो आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म वर्धा में हुआ। अच्छा। महाराष्ट्र में पढ़ाई लिखाई जी, जहाँ महात्मा गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी, क्योंकि पिताजी गांधी जी के आंदोलन में 42 में शामिल हुए थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में, उन दिनों तो ये सीपी बरार वगैरह कहलाता था, मध्य प्रदेश का जन्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक राष्ट्रीय शाला खोली थी, वो शाला अंग्रेज़ों ने पाठशाला जब्त की और इनको अरेस्ट किया, तब से फिर वो गांधी जी वाले इस काम में आ गए थे। तो वहाँ पर उनका वर्धा में कुछ एक महिला आश्रम में उनकी कुछ सेवाएँ ली गई, वहीं मेरा जन्म हुआ। फिर बाद में वो दिल्ली आए काफ़ी समय बाद, तो मेरी सब पढ़ाई लिखाई फिर दिल्ली में हुई, उसके बाद ये पहली नौकरी शुरू हुई। तो मैं इस तरह से, आपको एक मंत्री जी ने जी एक खत दिया, तो डाकिये के रोल में मैं पहली बार राजस्थान गया, जिंदगी में पहली बार, पहली बार। और इससे पहले हमारे एक मित्र हैं, वो इस एक्सप्रेशन का उपयोग करते हैं, उनका नाम भी बाद में कभी आएगा, फरहाद कॉन्ट्रैक्टर, पारसी परिवार से हैं, और आज वो राजस्थान में पानी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि पानी का प भी नहीं आता था उनको, तो ऐसे ही मुझे पानी का प नहीं आता था,
इस डाकिये के कारण मैं जब डाकिये के रोल में गया, तो आप राजस्थान गए, गए कुछ खत बीकानेर में खत लेकर। तो जैसे आज हम लोग बैठे हैं, ऐसे आंगन में कहीं एक ज़मीन में ढक्कन लगा था और उसके आसपास कुछ इर्द गिर्द कुछ ऊपर उठा हुआ था। बड़ा विचित्र सा दिखने वाला स्ट्रक्चर था। हम लोग जो ढांचे जानते हैं, कुर्सी है, टेबल है, कोई टैंक बना है, कोई चीज़ है, तो उसको हम देख के पहचानते हैं। जब हम इतनी पढ़ाई लिखाई पढ़ जाते हैं तो हमें लगता है अब हमें सब चीज़ें मालूम है दुनिया की। वहाँ जाने से मुझे ये पता चला कि हमारा ज्ञान का लेवल क्या है, हम कितना नहीं जानते। इसलिए मैंने मित्र से पूछा जो मुझे वहाँ लेके गए मेज़बान, कि ये क्या चीज़ है। छोटा सा आंगन था, मैं उसको आपके सामने वर्णन करने की कोशिश करूँगा। कोई 20 हाथ लंबा और 15 हाथ चौड़ा ऐसा एक आंगन था ज़मीन में। चारों तरफ रेत थी, उसको प्लास्टर करके अच्छे से रखा गया था और उसमें एक उसकी एज बनाई गई थी, ऐसी छोटी सी बाउंड्री, 6 इंच ऊँची। उसमें एक स्लोप था, वो स्लोप एक ढक्कन की तरफ जाता था, वो ढक्कन बंद था, ताला लगा था। तो कोई भी प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं सार्वजनिक उपयोग के लिए तो उसको सीधा बनाते हैं, तिरछा क्यों बनाया, वो तो कोई गिर जाएगा। तो मैंने उनसे अपनी मूर्ता में पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा ये तो कुंड है, आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्या होता है। तो उन्होंने कहा इसमें बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं। बरसात का पानी क्यों इकट्ठा करना, हम तो ये दिल्ली बम्बई से मामूली जो पढ़ाई जिससे हम लोग सब बड़े घमंड में आ जाते हैं वो पढ़ के पहुँचे थे, हमें नहीं मालूम था कि बरसात का पानी क्यों इकट्ठा। आज तो फिर भी बरसात का पानी इकट्ठा करना लोगों को मालूम है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ सारा खारा पानी है, उसको पी नहीं सकते। आज बीकानेर में नहर आ गई है, उस समय नहर नहीं थी, सिर्फ कुएँ थे और घर घर में कुंड थे। छत का पानी रोकते थे, आंगन का पानी रोकते थे। फिर वो मुझे ले गए, उस ढक्कन को खोल के दिखाया, भीतर मैं सोचता हूँ करीब करीब एक साल का पानी इकट्ठा था। एक साल का एक गांव घर की ज़रूरत का। तो पानी के मामले में बिल्कुल स्वावलंबी समाज, उसका दर्शन जब पहली बार हुआ तो मुझे लगा कि हम लोग दिल्ली बम्बई वाले नल खोलते हैं। ये उन दोनों में जल संकट शुरू हो गया था, तब ध्यान में नहीं था लोगों के, आज जैसी स्थिति है। तो मुझे लगा ये कितनी अच्छी पद्धति है, ये तो हमसे कई साल आगे की बात है। और सचमुच आज 40 साल बाद हम लोगों को लगता है कि उनकी तरह हमें भी पानी रोकना चाहिए। अनुपम जी, ये आपने जो प्रथम बार उसका तो अपने दर्शन किया, फिर आपको इस तरह का एक एहसास हुआ इस बारे में काम करना चाहिए, लेकिन ये जो बना हुआ था वो कितने साल पहले बना हुआ? वो 200 साल पहले का बना था। फिर मैंने और घूम घूम के उनसे पूछना शुरू किया, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ घर बिना इसके बनता ही नहीं है। अनरिटन बाइला जो कहलाता है वो ये है, सरकार ने कानून नहीं बनाया है, समाज ने मन में कानून भर दिया है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, कि इसके बिना तुम्हारा रेगिस्तान में मरु प्रदेश में जीवन नहीं होगा। तो फिर तो एक उत्सुकता जगी, तो 10 जगह और गए। फिर हमने 50,000 लीटर से लेके 3 करोड़ लीटर तक के टांके देखे। आज हम जिस हॉल में बैठे हैं इससे बड़ा हॉल, करीब करीब 150 फुट लंबा, 140 चौड़ा, 40 फुट नीचे गहरा, ये 3 करोड़ लीटर पानी रोकता है एक वर्षा में। तो ये देखकर हमें उस समाज का ढोल पीटने की इच्छा हुई। एक उनका शब्द है जस ढोल, जस ढोल संस्कृत के यश से बना है, यश यानी उसकी प्रसिद्धि करना, उसका नगाड़ा बजाना। तो मैंने अपने को नगाड़ा बजाने वाला माना कि इस समाज का नगाड़ा ऐसी जगह बजाएं जो बहरे हो चले हैं पानी के मामले में, क्योंकि उनको अब धीरे से कहने से वो सुन नहीं रहे, तो ज़रा ढमढमा ढमढम जोर से करेंगे तो इनको सुनाई देगा। तो हम लोगों ने फिर उस पर करीब 7-8 साल सब मित्रों की मदद से समझा, क्योंकि हमारे लिए तो बिल्कुल नया सिस्टम था, हम उसका प्राइमरी भी नहीं जानते थे। तो आपने उसको देखा, फिर उसके बाद में आपने इसका एक महत्व जाना और आपने सोचा जी कि अभी इसके बाद में मेरी तो ज़िंदगी है जी, मैं सिर्फ इसी काम के लिए लगा दूँ। हाँ, शायद सोचा नहीं, अपने आप लग गई। अच्छा। उसमें इतना चुंबक था कि उसने हम जैसे लोहे को खींच लिया और उसमें हम चिपक गए। और आपने पानी के विषय में जी पूरा अपना जीवन काल करने का, अब जो भी जितनी भी सेवा हुई उसी में करने की कोशिश। अच्छा, एक मुझे बताइए कि आपने अभी कहा कि मैं जब वहाँ गया, मैंने आप वो देखा, तो फिर मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मुझे कितना अज्ञान है। जब भी किसी आदमी को इस बात का एहसास होता है कि मुझे इस बात का अज्ञान है, मैं मानता हूँ सही ज्ञान की शुरुआत वहीं से हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम मानेंगे कि मुझे पूरा ज्ञान है तो आप कोई सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप अज्ञानी बनते रहेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि
आपको जो एहसास हुआ, एहसास हमारी देश में जो राजकरण करने वाले लोग हैं, सरकार चलाने वाले लोग हैं, मेरे जैसे राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, उनका अज्ञान दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, आज ज़रूर ऐसा लगता है हमको कि अज्ञान हो गया। पहले मैं सोचता था कि राज और समाज में तालमेल बहुत था। 200 साल पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले, राजा भी पानी का वैसा ही काम करता था जैसा समाज करता था। एक मेघवाल, जिसको आज हम शायद अनुसूचित जाति में रखते हैं, नए जो पद्धति है समाज में उसको नीचा, वो मेघवाल भी पानी का उतना ही अच्छा काम जानते थे। जो चमड़े का काम जानते थे वो पानी का भी काम जानते थे, और पालीवाल ब्राह्मण भी उतने ही अच्छा जानते थे। अगर हम महाराष्ट्र से उदाहरण लें तो चित्पावन ब्राह्मण, देशमुख ब्राह्मण, उनका पुराना नाम देशरुख ब्राह्मण था, वो भी पानी का उतना ही अच्छा काम जानते थे। तो समाज में जहाँ पानी गिरता था उसको विकेंद्रित पद्धति से रोकने का काम वो लोग करते थे। तब इसमें अज्ञान का पुट आया नहीं था। ये जो नई पढ़ाई हमारी आई अंग्रेज़ों के बाद की, उसमें हमने समाज से बिल्कुल अलग किस्म की कोई पढ़ाई पढ़ के, हो सकता है मैंने पानी पे पीएचडी की हो, लेकिन वो पीएचडी इस गांव का सम्मान नहीं जानती। वो आंकड़े जानती है, वो केमिस्ट्री जानती है, एचओ ये सब चीज़ें जानती है, पर वो पानी रोक नहीं सकती। तो ये जो अज्ञान है, आपने उसको बहुत ठीक कहा कि जब हम उसको जान लेते हैं कि हम कितने अज्ञानी हैं, तब से हमारी एक नई यात्रा शुरू होती है। और मुझे इसको स्वीकार करने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि उससे पहले जो मैंने पढ़ाई पढ़ी थी वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार साबित हुई। और ये जो खुली पाठशाला में, खुले विश्वविद्यालय में, जिसको आज हम अंग्रेज़ी में ओपन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी जैसी क्लोज यूनिवर्सिटी है, कहने को ओपन है, लेकिन वो इन विषयों को नहीं पढ़ाती आज। अनुपम जी, आपने एक किताब भी लिखी है जिसमें आपने इस बात का जिक्र किया है कि जब तक हमारी जो परंपरा है, हमारा जो सालों से चलते आया हुआ जो ज्ञान है जी, उसको यदि हम हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम सही माने में हमारे जो सवाल है उसको हम उसका सलूशन नहीं निकल पाएंगे। मुझे एक बताइए कि जैसे राजस्थान में, कि जहाँ पे रेगिस्तान है, पानी बहुत कम गिरता है, अकाल की स्थिति तो हमेशा के लिए रहती है, बहुत बड़ा, अभी तो मई महीने में, जून महीने में तो वहाँ पे एक आप एक कुछ हॉट चैम्बर्स में रखा है, ऐसे आपको एहसास मिलेगा, बिल्कुल 50 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर बन जाता है। तो क्या ऐसी हालत होने के नाते उनमें ये ज्ञान आ गया कि देखिए हमको कोई चारा ही नहीं है, इसीलिए राजस्थान के जैसे लोग हैं जो इन बारे में जानकारी ले लिए, लेकिन हमारे देश में जो अलग रहने वाले लोग हैं उनको तो ऐसी कठिनाई उनके ज़िंदगी में कभी आई नहीं, क्या इसके ये कारण है कि ये जो कठिनाइयों के कारण लोगों में ये जानकारी आ गई? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, एक हिस्सा तो उसका जिम्मेदार कठिनाई है। जहाँ प्रकृति ने पानी का बजट बिल्कुल सीमित रखा, वहाँ अगर हम बड़े से बड़ी अनुदान से, फंडिंग एजेंसी से बजट लेके जाएं तो पानी पैदा नहीं कर सकते, बाहर से ला सकते हैं, लेकिन जहाँ भूजल 300 फुट पर हो, खारा हो, तो वहाँ वर्षा का जल इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसको अब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वो शुरू से कहने के बदले काम करते थे, वहाँ छोटे छोटे तालाब बनाने पड़ते थे। जहाँ पोखरण का विस्फोट हुआ, उसमें कितनी धनराशि लगी, कितनी प्रतिष्ठा देश की बढ़ी, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन उस गांव में पीने का पानी आज भी ट्रेडिशन के नाडी नाम के एक तालाब से आता है। अच्छा। उस तालाब का प्रकार नाडी होता है। अच्छा। तालाब से भी छोटा होता है। हमारी नई टेक्नोलॉजी ने, शांतिपूर्ण उपयोग ने परमाणु के, ऊर्जा के, उस गांव को पानी नहीं दिया। पानी ट्रेडिशनल विजडम ही दे रही है आज भी उस गाँव में, कोई भी जाके देख सकता है। और इतना सुंदर तालाब है, गाँव के लोग उसको कितना अच्छा रखते हैं। जी, जिस गाँव में हमने पोखरण जैसा आज न्यूक्लियर टेस्ट, यानी जो टेक्नोलॉजी का सबसे आगे का काम किया, वहाँ भी पानी के लिए हमको टेक्नोलॉजी काम में नहीं आ रही, नहीं वहाँ के ज्ञान क्योंकि खारा पानी है। आप अनुबम से शांतिपूर्ण उपयोग करके 200 मीटर का गड्ढा भी कर देंगे तो खारा पानी निकलेगा, जो बकरी पीने से मना करेगी। पार्टी वाला तो कभी हाँ भी कह देगा कि बड़ा अच्छा काम किया हमारी पार्टी ने, लेकिन बकरी उसको टेस्ट करके कहेगी नहीं पीते हम, गाय कहेगी नहीं पीते। बकरी तो जो राजनीति जानती नहीं, तो वो असली राजनीति वो है। तो इस बड़ी राजनीति को समझना हो तो मैं परंपरागत विजडम की, परंपरागत ज्ञान की परिभाषा बदलता हूँ, क्योंकि अगर ये परंपरा पुरानी है तो उसको भूल जाना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी पानी दे सके तो डेजर्ट में जहाँ पोखरण का विस्फोट हुआ वहाँ नया पानी आ सकता है, पर वो नहीं आया। इसलिए परंपरा की परिभाषा ये हुई कि जो किसी भी समाज के भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को जोड़ सकती है, तो परंपरा है।
आज अगर पानी उस नाड़ी के बिना मिले तो उस नाड़ी को हम भरने के लिए तैयार हैं, पहला पावड़ा लगाने तैयार हैं वहाँ जाकर। लेकिन अगर नहीं है तो हम वैसी 50 नाड़ियाँ और बनाने के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे और सरकार को भी कहेंगे कि ये असली ज्ञान ये है। ये आपने सब भूतकाल में जाके जो जी काम हो रहा था उसको आपने देखा, उसको उसके बारे में उसकी अनुपम जी थोड़ा सा हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हम दोबारा आपके साथ बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में मुझे जरूर विश्वास है कि लाखों लोग देश के जानना चाहेंगे, तो इसके लिए आपके साथ हम बातचीत जारी रहेंगे। अब जाइए नहीं, हम अनुपम मिश्रा जी से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से पानी की समस्या को टालने के लिए, पानी को जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में आज सालों हजारों सालों से जिस तरह से हमारा संबंध जुड़ा रहा है उसको हम किस तरह से भविष्य में भी आगे उसको जुड़ा कर रख सकते हैं। आप जाइए नहीं, मैं सुरेश प्रभु आपसे बातचीत जारी रखूंगा, जब जरूर वापस आइए। यह है टॉप शॉट। मैं हूं सुरेश प्रभु, आपका पुनर्स्वागत करता हूं टॉप शॉट कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं अनुपम मिश्रा जी को, जो गांधी पीस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, पिछले 40 साल से सिर्फ पानी को लेके अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो अनुपम जी मुझे बताइए कि हम लोग का पानी के साथ जो रिश्ता बनता है, वो जब स्नान कर रहे हैं पानी पी रहे हैं या पानी के बारे में नहीं मिल रहा है तो, लेकिन आपने जिस तरह से लोगों के साथ में जुड़ के पानी के बारे में जो जानकारी प्राप्त की, आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में पानी की समस्या कितनी बढ़ेगी? पानी से लेके हमारी जो गांधी पीस फाउंडेशन आप काम करें, पीस शांति और पानी जी, इसके साथ में क्या क्या टकराव आ सकता है? बिल्कुल सरल हिंदी में कहें तो पानी आग लगा सकता है। पानी का स्वभाव आग बुझाने के लिए माना गया हमारी तरफ से दमकल वगैरह की सेवाओं में, लेकिन पानी आग लगा सकता है, दुनिया में लगा सकता है, देशों में लगा सकता है, देश में और नीचे उतरे तो दो ज़िलों में लगा सकता है, दो राज्यों में लगा सकता है, दो गांव में लगा सकता है, दो घरों में लगा सकता है। आज अगर आप पुलिस के किसी मित्र से पूछें शहरों में, इंदौर देवास यहाँ पर हमारे कुछ पुलिस वाले मित्रों ने बताया कि सबसे ज़्यादा झगड़े मकान मालिक और किराएदार के पानी को लेकर होते हैं और इसमें आज इतना तनाव हो गया है। दो राज्यों का भी आपने देखा, अब दिल्ली तमिलनाडु हरियाणा पंजाब दिल्ली, एक ही विचार की सरकार होते हुए भी पानी का घड़ा हम बांटने नहीं तैयार कि ये मेरा घड़ा है मैं आपको नहीं दूंगा, ये स्थिति आ गई है तो ये कितनी शर्मनाक स्थिति है। जबकि ये देश पानी के मामले में कमज़ोर नहीं था, हमारा पानी का बजट प्रकृति ने जो बना के दिया है, जैसलमेर वगैरह फिलहाल अपवाद की तरह छोड़ दें तो देश में कोई कम पानी नहीं गिरता। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो हमने पिछले कुछ सालों में अपने नियोजन में प्लानिंग में कुछ लालच बढ़ाया है, पानी की खपत के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया है, फिजूल खर्ची भी की है और लालची फसलों को लगाया है। वो जो एक विज्ञापन में आता है कि प्यास बड़ी है, वो हमने ऐसी फसलें लगाई जिनकी प्यास बहुत बड़ी है, अब हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। जैसे कि गन्ना है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि समाज कल से गन्ने के बदले नीम खाने लगे, कड़वी गोली, वो एकाद मधुमेह का रोगी खाएगा, बाकी को कुछ मिठास चाहिए समाज में जीवन में, लेकिन कितना चाहिए गन्ना, जहाँ लगना चाहिए उतना लगना चाहिए। आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि कुछ जगह गन्ना राजस्थान में भी लगता था, जहाँ अच्छा पानी गिरता था उस गन्ने का गुड़ बनाते थे, चीनी की मिलों के लिए नहीं होता था। आज दुर्भाग्य से चीनी मिलें एक कैचमेंट जैसा इस्तेमाल करती हैं आसपास के खेतों को, गन्ना पैदा करवाती हैं, उनको कम से कम दाम पे खरीदती हैं, कई जगह गन्ने के पेमेंट 4-4 साल से
या कुछ तो कहते हैं 15 साल से नहीं हुए, वहाँ भी उसके कारण भी लोगों का दंगा फसाद होता है, दंगा फसाद होता है। उसके बाद वो चीनी शहर में आ जाती है और उस गांव में कड़वाहट छोड़ जाती है। तो ऐसी मिठास हमारे काम की नहीं है, हमें इसमें संतुलन देखना पड़ेगा। तो जो मैंने शुरू में कहा कि पानी आग बुझाने के बदले आग लगा सकता है, ये उसका स्वभाव अब हमको दिखाई दे रहा है। अब तो कई लोग कहते हैं कि तीसरा महायुद्ध जो है, विश्व युद्ध, वो पानी को लेके होगा, तो मैं कहता हूँ होगा नहीं, हो रहा है भाई, उसको देखो और इसको उसी पानी से बुझाना पड़ेगा, ये किसी दूसरी चीज से नहीं बुझेगा। एक विश्व युद्ध होगा जो गांव से लेकर विश्व तक सब जगह, विश्व तक सब जगह होगा, गांव युद्ध भी होगा, विश्व युद्ध भी होगा, बिल्कुल गांव का भी युद्ध होगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और उधर का भी होगा। तो इस युद्ध की आग को कोई और दूसरी चीज नहीं बुझाएगी, पानी ही बुझाएगा। अब उस पानी का फिर से इंतजाम करना हमें सीखना पड़ेगा। तो हमें राजस्थान जैसे जो समाज हैं, जिन्होंने इसमें कठिनाई के दौर में अपने को मांझ के रखा, पर हर समाज, मैं कहता हूँ महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, बिहार में बाढ़ आती है ऐसा हम मानते हैं हमेशा, वहाँ के समाज ने बाढ़ और अकाल दोनों को जोड़ दिया। जो पिछले दौर में एक चिंता थी कि हम कैसे नदियों को जोड़ें, उन्होंने बाढ़ और अकाल को जोड़ा, नदियों को नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा कि जिस नदी में ज़्यादा पानी आता है, जिसको आज हम अंग्रेज़ी में वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, उसमें उन्होंने एक नया विचार जोड़ा 2000 साल पहले कि फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग करो। जब पानी नदी के किनारे तोड़े तो उसके लिए उन्होंने नहरें बनाई, वो नहर से उनको आहार नाम की एक जगह पे ले जाते थे, आहार एक तरह का तालाब है, और इस सिस्टम को पाइन कहते थे। ये इतना देसी बुद्धि पर टिका हुआ है कि अब जब नहरें बनती हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद, वो स्ट्रेट लाइन में बनती हैं, आप जब भी नहर देखेंगे सीधी बनाते हैं, सीधी नहर में साद भरती है, सिल्ट भरता है, फिर उसको हटाना पड़ता है, उसके लिए आपको एक और विभाग बनाना पड़ता है, एक और बजट पास करना पड़ता है कि इसमें से रेत जमा हो गई, ये हो गई, वो हो गई। इन्होंने प्रकृति से सीखा, क्योंकि प्रकृति से अच्छा तो कोई सिखाता नहीं है। प्रकृति ने जो नदियाँ बनाई वो कुछ लाख साल से बह रही हैं, मुझे सब नदियों का जीवन नहीं मालूम, लेकिन नर्मदा का मुझे किसी पुराने जानकार ने बताया, जो क्या अंग्रेज़ी में पैलियोग्राफी कहलाती है, उन्होंने बताया कि 35 लाख साल पुराना जीवन है। तो 35 लाख साल में उसकी कभी सफाई नहीं करवानी पड़ी, हमारी नहर की तो हर 10 साल में सफाई होती है। डिपार्टमेंट नहीं बनाना पड़ा, तो जो भगवान ने, प्रकृति ने डिपार्टमेंट बनाया, वो नदी की मियांड्रिंग है, उसमें वो एक जगह रेत डिपॉजिट करती है और प्रेशर से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो झूम के चलती है। तो ये बिहार के लोगों ने 2000 साल पहले जो पाइन बनाया, वो भी नदी के आकार का बनाया, स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाया। तो कहीं कहीं 20-20 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर बाढ़ वाली नदी का पानी वो दूसरे गांव में ले जाते और उसको रोकते। उसका एक बड़ा कारण ये था कि हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, मेरे घर परिवार के लायक भी इतना दे दो अनाज पानी, और अगर हमारे दरवाजे कोई साधु आ जाए, संत आ जाए, तो उसको भी हमें ये नहीं कहना पड़े कि भाई पानी तो हमारे लिए नहीं है, तुम्हें कहाँ से देंगे, जाओ, ऐसा नहीं करना पड़े, अनाज और पानी। तो ये मगध के इलाके में जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो बहुत नए सन्यासी भिक्षु बने, इतने भिक्षु शायद हमारे यहाँ और किसी दौर में नहीं बने थे। समाज में भिक्षु संत होते थे, साधु होते थे, इतने बड़े पैमाने पर एक आंदोलन की तरह, एक नए अभियान की तरह जो निकले। तो उस समय के किसानों ने सोचा कि अब हमको ये जो बाढ़ का पानी है वो अपने गांव में लाना चाहिए, खेती के नए तरीके खोजने पड़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के कारण नए तरीके ईजाद हुए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि जो मैंने शुरू में कहा कि हमने नई पढ़ाई थोड़ी सी पढ़ ली अंग्रेज़ों के बाद, तो इन सब के विभाग बना दिए। सिंचाई विभाग को इन नहरों में कोई दिलचस्पी नहीं बची, उसको सीधी नहरें बनानी थी, उसमें उसको लगा कि हमारा कौशल है। अगर अभी हम भ्रष्टाचार की बात ना भी करें तो कौशल भी उसको उसमें दिखा, प्रतिष्ठा इसमें नहीं दिखी कि जो जिसको हिंदी में दो शब्द हैं, मराठी में भी हैं और अंग्रेज़ी में शायद एक, तो मैं बता सकता हूँ, स्वयं सिद्ध और समय सिद्ध, टाइम टेस्टेड, और शायद स्वयं सिद्ध का क्या होगा, जो अपने आप में पूरा हो जाए, उसको बाहर से किसी मदद की, यानी बुद्धि की मदद, पैसे की मदद या श्रम की मदद नहीं चाहिए। तो ये 50-50 किलोमीटर लंबी नहरें लोग खुद बनाते थे, खुद बनाते, उसका स्लोप जानते थे, मियांड्रिंग जानते थे, और ये पानी जब ऊपर उठता था फ्लड में, उसको ले जाके
सुरक्षित फिक्स डिपॉजिट में डाल देते थे, फिर उससे इरिगेशन करते थे, और फिर जब वो तालाब सूख जाता था, आहार जो कहलाता है, तो उसको फिर एक खेत की तरह देखकर, क्योंकि उसमें नहीं, ये बनाने के लिए जो पूंजी लगती होगी कहाँ से आती थी? गांव की श्रमदान से। लोग खुद खाना लेकर आते थे, अपना अपना, एक साथ बैठते थे, कुछ राज्य भी मदद देते